ये वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 2006 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है कैशबैक। आज की मूवी में हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जिसके पास एक सुपर पावर आ जाती है, जिससे कि वो समय को रोक सकता है और वो उस समय को रोक कर अपनी मन चाहे चीज कर सकता है, जैसा करने का सपना सारे इंसान देखते हैं। ये अजीब सी शक्ति मिलने के बाद वो लड़का क्या करता है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बैन है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सूजी है। किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और यहीं पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अगले दिन बैन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी को किसी और लड़के के साथ देखता है और वो सूजी को दूसरे के साथ देखकर सैड होता है कि स्टाफ की जरूरत है जो कि नाइट शिफ्ट कर सके। बैन डिप्रेशन में था और उसे रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वो सूजी की यादों से बाहर आने के लिए सुपरमार्केट को ज्वाइन कर लेता है और वो स्टोर में अब बिजी रहने लगता है। स्टोर में बैन के साथ एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम सैरन है, लेकिन सैरन के स्टोर के मैनेजर के साथ कुछ अलग ही रिलेशनशिप है। इसके अलावा हम लोग दो लोगों को और देखते हैं जो कि यहाँ काम करते हैं। ये दोनों काम के टाइम बहुत मस्ती करते हैं। इस स्टोर में काम करते हुए भी बैन बहुत सैड रहता था और वो सूजी के ख्यालों में डूबा रहता था। एक दिन वो सूजी के बारे में सोच रहा था, तभी वो अपने मन में ये सोचता है अगर वो समय को रोक पाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसे बाहर देखकर अचानक हैरानी होती है। उसके ऐसा सोचते ही समय रुक जाता है और बाहर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। अब बैन जो चाहे वो कर सकता था और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था। धीरे धीरे वो ऐसा अक्सर करने लगा, धीरे धीरे वो अपनी शक्तियों को जानने लगा और समय को रोकने लगा, और वो समय को रोककर अपनी मनचाही चीज करता था और कभी कभी वो लड़कियों की पेंटिंग भी बनाता। और अब बैन की आदत बन चुकी थी कि वो फ्रिज आदमियों को यहाँ से वहाँ पहुँचा देता था। इसके बाद हम लोग सुपरमार्केट में सरन और बैन को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे को नोटिस करते हैं। एक दिन जब सरन को भूख लगी होती है तब बैन अपने लॉकर से एक सैंडविच निकालता है और वो सरन को खिलाने लगता है। तभी बैन को ऐसा लगने लगता है कि वो अब सूजी को भूलकर सरन से प्यार करने लगा है। इसके बाद हम लोग बैन और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ फुटबॉल खेलने के लिए गए हैं। उनमें से एक आदमी जैसे ही फुटबॉल को किक मारता है, फुटबॉल सीधा जाकर मैनेजर के मुंह में लग जाता है, लेकिन तभी बैन टाइम को रोक देता है और वो सभी को फ्रीज करके खुद कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चला जाता है। तभी वो देखता है यहाँ कोई और भी है जो कि फ्रीज नहीं है। बैन उस आदमी को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ होता है और बैन उसे नहीं देख पाता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बैन को ये बात समझ में आती है ऐसे और भी कई लोग हैं जो कि समय को रुकने के बाद भी चल सकते हैं और वो ऐसा करने वाला अकेला नहीं है। थोड़ी देर बाद बैन जब मैच खेलने के लिए वापस आता है, जैसे ही वो समय को फिर से शुरू करता है वो देखता है फुटबॉल के लगने की वजह से उसके बॉस के नाक से खून बह रहा है। इसके बाद मैट अपने बॉस को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहीं दूसरी ओर बैन सरन को कॉफी के लिए ले जाता है। शाम में बैन सरन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। अगले दिन जब बैन ऑफिस जाता है तब उसका बॉस ये अनाउंस करता है कि उसके घर में एक पार्टी है और वो इस पार्टी में सभी को इनवाइट करता है। इसके बाद सरन बैन से कहती है क्या तुम बॉस की पार्टी में मेरे साथ चलोगे। इसके बाद बैन उसे हाँ कह देता है। इसके बाद हम लोग बैन को देखते हैं जो कि सरन के ख्यालों में खोया रहता है और वो समय को रोकता रहता है और वो सरन की पेंटिंग बनाता है। सुपरमार्केट में उसके कलीग मैट और बेरी उसे एक दिन कॉल करते हैं। वो बैन को एक आर्ट गैलरी का मालिक बनकर कॉल करते हैं और वो उसके सारी पेंटिंग्स के साथ उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैट और बेरी बैन से ऐसा मजाक करके बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर बैन सरन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो सरन को अपनी आर्ट गैलरी वाली बात बताता है। सरन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ये लोग बॉस के पार्टी में जाते हैं जहाँ बैन को सूजी भी दिखाई देती है। सूजी वही लड़की है जिससे बैन का मूवी की शुरुआत में ब्रेकअप हुआ था। सारे लोग इस पार्टी में बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद बैन वॉशरूम ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाता है, तभी उसे वहाँ पर सूजी दिखाई देती है। सूजी बैन को सरन के साथ देखकर बहुत जलती है और वो बैन के पास आती है और वो बैन से माफी मांगती है और वो बैन से फिर से फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन बैन अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इधर दूसरी ओर हम लोग सरन को देखते हैं जिसे उसका बॉस परेशान कर रहा होता है। सरन अपने बॉस के मुंह में पॉपकॉर्न फेंकती है जो कि उसके गले में फंस जाता है। इसके बाद सरन बैन को ढूंढने लगती है और वो उसे ढूंढते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाती है जहां वो सूजी और बैन को एक साथ देखती है और वो बैन से बहुत गुस्सा होती है और वहां से जाने लगती है। बैन सरन को जाते हुए देख लेता है और वो समय को वहीं पर रोक देता है और वो काफी देर तक ये सोचता रहता है कि वो सरन की गलतफहमी को कैसे दूर करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद अगले दिन बैन सरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन सरन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और अपना दरवाजा बैन के लिए बंद कर देती है। अगले दिन जब बैन सुपरमार्केट में जाता है तब वो देखता है सरन की कुर्सी खाली है। बैन को ऐसा लगता है सरन उसकी वजह से नौकरी छोड़ चुकी है और अब बैन को सरन की बहुत चिंता होती है। अगले ही दिन बैन को अपनी पेंटिंग्स लेकर आर्ट गैलरी में जाना था क्योंकि उसके कलीग ने उसके साथ मजाक किया था
और वो उस मजाक को रियल समझकर वहां जा रहा था। और वो उस आर्ट गैलरी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उसके मालिक से मिलता है। तब वहां का मालिक बैन से कहता है, मैंने तो तुम्हें कोई भी कॉल नहीं किया है, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो तुम अपनी पेंटिंग्स मुझे दिखा सकते हो। आर्ट गैलरी के मालिक को बैन की सारी पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है। वो आर्ट गैलरी का मालिक बैन की सारी पेंटिंग्स को दुनिया को दिखाने के लिए एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज करता है। बैन अपने आर्ट शो में आने के लिए सैरन को भी इनवाइट करता है और सैरन यहाँ पहुँच जाती है। बैन जब सैरन को यहाँ देखता है तब बहुत खुश होता है। सैरन जब बैन के बनाए हुए पेंटिंग्स को देखती है तब वो बहुत खुश होती है, क्योंकि ये सारे पेंटिंग्स उसी के थे। इन पेंटिंग्स को देखकर सैरन बहुत खुश होती है और वो अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और इन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। बैन इस वक्त को बहुत इंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो समय को रोक देता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार रुके हुए वक्त में सैरन भी बैन के साथ घूम सकती थी। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। वो लोग देखते हैं बाहर पूरी दुनिया रुकी हुई है और ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।